नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में लोक अभियोजन संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर एसपी, नगर निगम आयुक्त सहित लोक अभियोजक एवं न्यायाधीश उपस्थित रहे। लोकतंत्र में न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसमें अभियोजन की भूमिका मजबूत होनी चाहिए। अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में अभियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बातें आमंत्रित अतिथियों ने रविवार को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित कार्यशाला में कही। कि हमको या एसपी साहब को ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही गलत है, इसमें तो हम तो बड़े जी जान से लगेंगे, तो हम लोगों ने उसमें आपको एफआईआर लिखने के समय से इंटीग्रेट फुल प्रूफ करें, जिसको कि क्रॉस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जितना हो सके उतना साइबर से मीडिया सेल प्रभारी व एडीपीओ ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक अभियोजक के डायरेक्टर अनिवेश मंगलम के निर्देशानुसार संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें अतिथियों ने कार्यशाला में न्यायालय में चालान के प्रस्तुतिकरण, नए नए नियम अधिनियम में अपडेट रहने, साक्ष्य की बारीकियां सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी गई। विषय विशेषज्ञों ने कहा कि पुलिस जांच के बाद न्यायालय में घटना, दुर्घटना व अपराध के पहलुओं का विश्लेषण अभियोजन को करना होता है। यह साक्ष्यों के आधार पर जितना मजबूत होगा, अपराधी को सजा दिलाने में उतनी ही मददगार होगा। उन्होंने कहा कि अभियोजन का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना है। इस दौरान लोक अभियोजकों द्वारा कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। ये इस परंपरा को अगर हम लोगों ने यहाँ स्थापित कर दिया आप सभी की मदद से, तो फ्यूचर में हम सेम पेज पे रहेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो एक्स्ट्रा चीजें हमारे न्याय व्यवस्था में प्रवेश कर जाती है विभिन्न कारणों से, हम जितना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एफआईआर और एविडेंस कलेक्शन का काम करेंगे, हम जिस तरीके से साइंटिफिकली गवाहों की सूची बनाएंगे, उतना ज्यादा हम सेम पेज पे और अगर उससे बेहतर चले जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले 5 साल बाद हम जो जजमेंट कराने की स्थिति में होंगे, सजा दिलाने के परसेंटेज के स्थिति में, हो सकता है कि इस परंपरा के कारण हम अन्य लोगों से बेहतर स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि हम साइंटिफिक एविडेंस और उसके आधार पर सजा दिलाने की तरफ पूरी तरीके से फोकस हो रहे हैं। तो एसपी साहब की इसमें मेहनत बहुत ही काबिले तारीफ है। एक तो जितने भी गंभीर अपराध होते हैं तो खुद ही जाते हैं, जो दिखता है कि एकदम क्लियर कट है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन उससे अगर आप होते 5 मिनट आ जाता है, तो वो जो आपका 5 मिनट जाना है, दैट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द केस। आईओ जी इसकी गंभीरता से देखते हैं और जब एसपी का उसमें कोई कागज लगा रहता है, आपके ऑब्जर्वेशन लगे रहते हैं, तो फिर पीछे का आदमी उतना ही गंभीर होता है और पूरा का पूरा जो न्याय का सिस्टम है उसकी पहले जो वेल बिगनिंग हाफ था, तो 50% सजा आप दिला चुके रहते हो, बाकी 20-25% आप लोगों की मेहनत आगे निकल जाती है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले 1-2 सालों में जब हमारे इस ये केसेस जजमेंट के लेवल पर जाएंगे, तो हम लोग 100% सजा दिलाने के स्टेज में रहेंगे। जो रीवा स्पेसिफिक है कि एक तो वर्कलोड बहुत है, शिकायतें बहुत होती हैं, केसेस बहुत होते हैं, लोग लिटिगेशन फ्रेंडली, ये हमने महसूस किया है कि अन्य सभी पदस्थापनाओं के मुकाबले यहाँ पे लोग लिटिगेशन फ्रेंडली ज़्यादा है। शेड्यूल में भी केसेस उतने ही हैं, रेगुलर में भी उतने ही हैं, क्रिमिनल में भी उतने ही हैं, और मानते नहीं, काम जो है वो खत्म ही नहीं होता। हमारे यहाँ मैंने कैसे जैसे देखे हैं, जो कि नायब पत्रकार के कोर्ट से शुरू होता है, वो ट्रैवल करता है रेवेन्यू बोर्ड होते हुए हाईकोर्ट तक, हाईकोर्ट के फाइनल ऑर्डर हो जाते हैं, उसके जो कंप्लायंस के लिए तहसीलदार कोई परवाना निकालता है, तो उस पर निगरानी होकर वो फिर एक बार ट्रैवल करना शुरू होता है। तो ऐसे वातावरण में रेवेन्यू की टीम
पुलिस की टीम और आपकी टीम जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और जहाँ जहाँ जब भी जितना भी संभव हो सके हम लोग कोशिश करें कि लोगों को ये भी समझाने की कोशिश करें कि घर में लड़ाई कम करो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तो अगर हम थोड़ा बहुत लिटिगेशन अनफ्रेंडली करें 5% 10% भी, तो वो भी एक इस जिले के लिए एक हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। कार्यशाला का आयोजन किया गया था लोक अभियोजन, क्या चर्चा की गई जी? हमारे प्रोसिक्यूशन एमपी प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर श्री अनवेश मंगलम साहब के डायरेक्शन में हम लोगों ने यह संभागी अभियोजन कार्यशाला आज यहाँ पे हुई है, संपन्न हो रही है। इसमें रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब और हमारे एसपी साहब और नगर निगम कमिश्नर साहब मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पधारे थे, और कलेक्टर साहब ने हम लोगों के काम को अप्रिशिएट किया, और रिस्पेक्टेड एसपी साहब ने भी, जो कि हमेशा से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और पुलिस और प्रोसिक्यूशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको उन्होंने और बेहतर बनाया है, जिसका रिजल्ट भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। जितने हमारे मध्य प्रदेश शासन की एक बहुचर्चित जघन एवं चिन्हित अपराध के समक्ष में जो एक प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है, तो इसी संबंध में रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने यहाँ पे आके चर्चा की और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन किया। कार्यशाला का उद्देश्य क्या? कार्यशाला का उद्देश्य हम सब लोगों के प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और आपस में दूसरे विभाग जैसे और रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अन्य विभागों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन करना, और जो नए नए हमारे क्रिमिनल सिस्टम के जो नए नए गाइडलाइंस हैं, नए नए अपराधों के संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके संबंध में हम सब लोगों को अवेयर करना है।